याचिका पर कोर्ट ने किया केजरीवाल को तलब, ईडी ने केजरीवाल को 5 बार भेजे हैं समन। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कानून के हिसाब से दिया जाएगा जवाब। आप नेता जैस्मिन शाह का बयान, ने कहा बीजेपी को लगा झटका, ईडी की अब तक 1000 के करीब रेड मगर अभी कुछ नहीं मिला। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए इस्तीफा। ईडी के टारगेट पर उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, हरक सिंह से जुड़े 16 ठिकानों पर हुई छापेमारी। हरक सिंह को समर्थन देने पहुंचे विपक्षी दलों के विधायक, केंद्र सरकार के इशारों पर छापेमारी का आरोप। काशीपुर में बीजेपी नेता के यहां पर ईडी का छापा, अमित सिंह के घर पर पड़ी रेड, पूर्व में रही है हरक सिंह रावत से नजदीक। उत्तराखंड में आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक के घर भी ईडी की रेड, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मामले में है नाम। हेमंत सोरेन की रिमांड कॉपी में ईडी ने कहा रिश्वत लेकर अधिकारियों की पोस्टिंग में शामिल है पूर्व सीएम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी हिरासत 5 दिन बढ़ी, रांची की स्पेशल कोर्ट में बढ़ाई रिमांड। अब छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले की ईओडब्ल्यू जांच भी होगी, 2021 में कई अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के बच्चों का हुआ था चयन। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित, विपक्षी दलों ने कुछ प्रावधानों पर जताई थी आपत्ति। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एबीपी न्यूज से कहा जैसे उत्तराखंड से गंगा निकलती है वैसे ही यूसीसी की गंगा अन्य राज्यों में भी बहेगी। उत्तराखंड के नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता यशपाल आर्य का बयान, मसौदा रखने की बजाय सीधा विधेयक किया गया पेश। यूसीसी विधेयक को लेकर बोले उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, अगर यूसीसी इतना अच्छा तो फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं लाती। यूसीसी विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी जमीयत उलेमा हिंद, मौलाना काब रशीदी ने कहा वकीलों के साथ बातचीत जाए। यूपी के सीएम योगी का बयान, कहा पांडवों ने कौरवों से सिर्फ 5 गांव मांगे थे, सनातन आस्था तो सिर्फ 3 की बात कर रहे। एसपी नेता फखरुल हसन ने कहा हमारे नेता सदन में महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे थे, वहीं सरकार मंदिर और मस्जिद की बात कर रही। सीएम योगी के बयान पर मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने कहा वे सीधे सीधे दे रहे धमकी, ये संविधान के खिलाफ। सीएम योगी के बयान पर फिरोज बख्त अहमद ने कहा हिंदू और मुस्लिम संगठन के लोगों को बैठकर मामले को सुलझा लेना चाहिए। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा योगी सबके मुख्यमंत्री, उन्हें पार्टी बनकर नहीं देना चाहिए बयान। परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर शिव योगी मौनी महाराज ने कहा सीएम योगी के बयान पर मुस्लिम धर्म गुरुओं को सोचना चाहिए। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा रोकने से जुड़ी याचिका, सुनवाई करेगा वाराणसी जिला कोर्ट। केंद्र कैबिनेट की बैठक आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शाम 6 बजे संसद भवन परिसर में होगी मीटिंग। वित्तीय मामलों में केरल की उपेक्षा का आरोप, आज दिल्ली में प्रदर्शन करेगा वाम लोकतांत्रिक मोर्चा। किसान संगठन आज दिल्ली करेगा कूच, कहा पूछेंगे संसद में बैठे लोग किसके लिए बना रहे नीति, किसान तो रोड पर बैठे हुए। किसानों की सरकार से मानी गई मांग को लागू करने की मांग, 13 फरवरी को फिर दिल्ली पहुंचने का ऐलान। किसानों को रोकने के लिए अंबाला के पास इंतजाम, दिल्ली अमृतसर हाईवे के टोल प्लाजा पर नुकीले तार और बड़े पत्थर तक पहुंचाए गए। मुंबई में धरने पर बैठे शिक्षक, सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की मांग। अंतरिम बजट पर आज भी लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा रहेगी जारी, पीएम मोदी ने कल विपक्ष पर बोला हमला, 10 साल के कामकाज का हिसाब दिया। 2004 से 2014 की मनमोहन सरकार के कार्यकाल पर मोदी सरकार लाएगी श्वेत पत्र, संसद के दोनों सदनों में चर्चा होगी। मोदी सरकार के व्हाइट पेपर के जवाब में कांग्रेस लाएगी ब्लैक पेपर, आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जारी करेंगे। पीएम मोदी ने तीसरी बार सरकार बनने का जताया भरोसा, कहा तीसरा कार्यकाल दूर है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस करती है बांटने वाली राजनीति, पूर्व पीएम नेहरू को बताया आरक्षण विरोध। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया जवाब, कहा जिन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया वो कांग्रेस को पढ़ाते हैं राष्ट्रभक्ति का पाठ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पलटवार, ऐसे बात करते हैं जैसे उन्होंने ही 2014 में आजादी दिलाई लेकिन उन्हें याद नहीं देश को 1947 में मिली आजादी। राहुल गांधी का एक्सपोज, चुनावी मंच हो या सांसद, प्रधानमंत्री का हर भाषण सिर्फ झूठ का अंबार।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा मोदी जी पड़े खास ब्रिटिश को मजबूत करने का काम करती थी सत्ताधारी पार्टी। ये मोदी के भाषण को कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने बताया चुनावी भाषण, कहा कोई तथ्य नहीं था। शिवसेना उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा अति आत्मविश्वास में है पीएम मोदी, वे कैसे सोच सकते हैं कि जनता उनको भी वोट दे। पीएम मोदी के भाषण पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कहा नेहरू आरक्षण के खिलाफ और ये पूरी दुनिया के सामने। नेहरू को पीएम मोदी ने बताया आरक्षण विरोधी, एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने कहा ये बहुत चौंकाने वाली बात, देश की जनता को ये बातें जानने का हक बनता था। डीसी ने शरद गुट को आवंटित किया पार्टी का नाम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नाम से जानी जाएगी पार्टी। आज ओडिशा से छत्तीसगढ़ पहुंचेगी राहुल की भारत न्याय जोड़ो यात्रा, रायगढ़ जिले से प्रवेश करेगी। ओडिशा में बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, बीजेपी और बीजेडी एक ही चीज, तो कांग्रेस लड़ रही है जनता की लड़ाई। सूत्रों के हवाले से खबर, आरएलडी टीडीपी के अलावा बीजेपी के संपर्क में अकाली दल, पंजाब में साथ लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने को लेकर बोले अकाली दल नेता महेशिंदर सिंह ग्रेवाल, राजनीति में एक बात पक्की, कभी दरवाजे बंद नहीं होते। बीजेपी के साथ जाने की अटकलों के बीच राष्ट्रीय लोक दल का पोस्ट, लिखा हमारे किसान भूले जरूर हैं पर मूर्ख नहीं, वो बहुत समझदार हैं और सशक्त। आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों पर बोले अखिलेश यादव, बहुत सुलझे हुए हैं जयंत चौधरी, वे नहीं कमजोर होने देंगे किसान और युवाओं की लड़ाई। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले डूबते जहाज से उड़ जाते हैं परिंदे, बीजेपी के लिए काम कर रहे अखिलेश। पीएम मोदी अमित शाह और नड्डा से मिले नीतीश, कहा अटल जी के समय से हम लोग थे साथ, तो बहुत इधर उधर हो गए आप नहीं। आज पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर नीतीश देंगे बधाई, शनिवार को की गई थी भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा। प्रशांत किशोर का निशाना, चाहे एनडीए या महागठबंधन के साथ रहे नीतीश या रहे अकेले, इससे बिहार में क्या बदल गया। हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर का विवादित बयान, कांग्रेस पर निशाना साधते बोले विवादित बात। मध्य प्रदेश के हरदा हादसे में बड़ी कार्रवाई, जिला कलेक्टर और एसपी का ट्रांसफर। हरदा फैक्ट्री में हुए हादसे में दो आरोपियों को भेजा गया जेल, पुलिस ने सोमेश अग्रवाल को दो दिन के रिमांड पर लिया। हरदा में हुए हादसे के बाद एक्शन में प्रशासन, इंदौर में चार पटाखा गोदाम सील किए गए। हरदा हादसे को लेकर एबीपी न्यूज की पड़ताल में बड़ा खुलासा, राजेश अग्रवाल की एक और फैक्ट्री पर पहुंचा एबीपी न्यूज, खुले में सुखाए जा रहे थे पटाखे। झारखंड के चतरा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, पुलिस के दो जवान शहीद, तीन घायल। झारखंड में मुठभेड़ के दौरान घायल जवान को एयरलिफ्ट कर भेजा गया रांची, अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए पुलिस टीम गई। श्रीनगर में आतंकवादियों ने गोली मारकर मजदूर की हत्या की, एक शख्स गोली लगने से घायल, अमृतसर का रहने वाला था मृतक। पटना में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांगी रंगदारी, अरन सिंह ने कंकड़बाग थाने में दर्ज कराया मामला। कर्नाटक में दो चंदन तस्कर गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान पकड़ा गया 392 किलो लाल चंदन। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, बदमाशों को लगी गोली, व्यापारी के बेटे की हत्या कर नहर में फेंका था शव। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हादसा, एक घर में लगी भीषण आग, बागे मेहताब इलाके का मामला। करगिल में हो रही बर्फबारी की वजह से कई मार्ग बंद, नेशनल हाईवे 44 पर जमी कई भीड़ बर्फ। हिमाचल प्रदेश में मुसीबत बनने लगी बर्फबारी, कुल्लू और लाहौल स्पीति में बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद।